एसोसिएशन की तरफ से सम्मान भेज दें।
राज्यपाल ओडिशा आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल और श्री मनीष सिंगला जी का बार एसोसिएशन सिरसा में पधारने पर बार के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी एक छोटी सी प्रार्थना पर आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने यहाँ आने की सहमति प्रदान की। आप पंजाब के विश्वविद्यालय से गणित के विषय के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इसके पश्चात आपने समाज सेवा के लिए शिक्षा का क्षेत्र चुना तथा 1991 तक राजकीय नेशनल महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। शिक्षा के साथ साथ आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर दिए गए विभिन्न दायित्वों का कुशलता से निर्वारण किया। आप भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। 1996 में चौधरी बंसीलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार में मध्य निषेध एवं सहकारिता मंत्री रहे। आपको जिस भी क्षेत्र में दायित्व सौंपा गया उसमें आपने अपने कार्यों का अमिट मिसाल स्थापित की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन कमेटी के भी आप अध्यक्ष रहे। आपके कार्यों तथा कुशल प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए मैं 2018 में आपको उड़ीसा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सिरसा से दूर रहते हुए भी आपने सिरसा के विकास के लिए अनेक प्रयास किए जो कि आपके यहाँ पर जो कि आपके यहाँ के लोगों के साथ अमिट संबंधों का परिचारक है। अब मैं हमारे बार के सीनियर मेंबर श्री यशपाल नंदा जी और श्री ऋषि शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और गवर्नर साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। अब मैं हमारे प्रधान श्री गणेश सेठी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और बार एसोसिएशन की तरफ से सम्मान भेंट दें। आज हमारे बीच में हमारे जिला सिरसा का नाम पूरे भारतवर्ष में, मैं तो कहूँगा विदेश में रोशन किया। महामहिम महोदय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, आपका मेरी जिला बार संघ सिरसा के सभी सदस्यों, मातृशक्ति सभी की तरफ से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रोफेसर साहब जहाँ भी रहे सभी तरफ इनका उद्देश्य सेवा का ही रहा। प्रोफेशन शिक्षा का चुना, वहां सेवा। भारतीय जनता पार्टी में रहे एक कार्यकर्ता के रूप में, वहां भी सेवा की। और आज उड़ीसा राज्य में महामहिम के पद पर हैं, वहां भी सेवा कर रहे हैं। महामहिम महोदय ने उड़ीसा के आम जन के बीच में मिलकर समझकर उनके बीच में रहकर उड़िया भाषा जाकर सीखी।
आम जन उड़ीसा में महामहिम जी को पीपल गवर्नर के नाम से जानता है। मैं फिर से महामहिम जी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। महामहिम जी को बताना चाहता हूँ कि पिछला लगभग एक हफ्ता जिला बार संघ सिरसा के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने अपने पिछले एक हफ्ते में 3 साथी खो दिए। उनमें से एक हमारे बड़े ही युवा साथी 35 साल की उम्र श्री सुरेंद्र कुमार सिंगला जी, उनकी दिमाग की नस फट गई, काफ़ी प्रयास किए डॉक्टर साहब सफल नहीं हो पाए और वो अपने पीछे अपनी 2 बेटियां 7 और 8 साल की छोड़कर चले गए। काफ़ी दिल को दहला देने वाली घटना है। उसका इनिशिएटिव जिला बार संघ के सभी मेंबरान ने लिया। एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड एक्टिव किया गया, उसमें सीनियर मोस्ट 7 मेंबर की कमेटी सर्वसम्मति से प्रस्ताव डालकर बना दी गई। उस कमेटी के 2 ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि इस वेलफेयर अकाउंट को कैसे भरा जाए। मैं फिर से महामहिम जी का यहाँ पहुँचने पर जिला बार संघ सिरसा के सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो कुछ भी है, जहाँ भी हैं, तो सब इस मिट्टी की सुगंध के कारण है, इस पृथ्वी की सुगंध के कारण है, इसकी गंध के कारण है। इस फ्रेग्रेंस दिनालटे या द स्वीटनेस, जो भी है वो सब आपका दिया हुआ है। अभी हमको रामचरितमानस भेंट किया गया, उसमें उत्तरकांड में 2 लाइन है, तो मैं पढ़ देता हूँ। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय पर नहीं तुम ही समाना। अच्छा लगता है भाई भी, बीवी भी, घर भी अच्छा लगता है, रिश्तेदार भी अच्छे लगते हैं, सब अच्छा है, पर आप जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई हो नहीं सकता। वहां पर उड़ीसा में बहुत विद्वान, हर आदमी राइटर है, हर आदमी स्कल्पटर है, ऐसा लगता है डिस्कवरिंग वन सेल्फ, रियलाइजिंग वन सेल्फ, फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन, मूविंग ए जर्नी फ्रॉम ईगो सेंट्रिज्म टू जियो सेंट्रिज्म, ऐसा लगता है आत्म केंद्रित से वसुंधरा का केंद्रित बनने के लिए तैयार। मेरे स्वभाव में घूमना फिरना, रिमोटेस्ट पॉसिबल कॉर्नर्स में उड़ीसा के जाने पर वहां स्वागत का बहुत अंदाज तरीका है, माताएं बहने हजारों की संख्या में होता है, तो हम बोलते हैं माँ आपके प्रदेश का पहला बालक आया है, मेरे लिए कोई हुक्म आदेश नहीं, कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें देखने आए हैं, हमको 50 वर्षों से कोई देखने नहीं आया। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर सबसे अमीर स्टेट, यहां किसको कुछ ही नहीं चाहिए, उससे अमीर वाला कोई स्टेट हो सकता है? व्हाइल टॉकिंग टू द एम्बेसडर, जर्मन का आएगा, कनाडा का आएगा, रशिया का आएगा, यूएस का आएगा, जब हमसे बातचीत होती है, 1-to-1 बातचीत होती है, तो हम बोलते हैं आपके पूरे विश्व में ये प्रदेश भारत का अनोखा प्रदेश है, ये रिचेस्ट पॉसिबल, तो उनको बड़ा हैरानी होती है। हमने कहा यहाँ का हर व्यक्ति सोचता है
मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा देश अखिल विश्व है और मेरा शासक प्रभु जगन्नाथ है। ये वहाँ का कल्चर है, ये कल्चर है, भारत का भी कल्चर यही है। अद्वैतम अनंतम अनंतम, वन इज इन्फिनिट, वन इज लव, नॉन ड्यूलिस्टिक का, प्लुरलिस्टिक का, इंक्लूसिव, यही तो है। तो वो वहाँ पर है, सब लोग जगन्नाथ को जेब में रखता है। हर आदमी राइटर है, हजारों पुस्तकों का विमोचन हमने किया हुआ, हर तरह का वहाँ पर है। तो पहली प्रार्थना तो ये करते हैं कि कभी आपको समय मिले, मुझे मालूम है कि वेल यू लिसन टू द वॉइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनका जो चीफ जस्टिस है उसकी आवाज़ आप सुनते हैं, इसलिए शायद आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जहनियत में है, जीन्स में है कि लीगली राइट मस्ट बी मॉरली राइट ऑल्सो, दैट इज प्रभु जगन्नाथ, दैट इज द कल्चर ऑफ उड़ीसा प्रदेश, अच्छा प्रदेश है। हमारे माता पिता भी लॉर्ड कृष्णा से बेपना मोहब्बत करते थे। वैसे तो हम लोगों को पूजा पाठ गीत गाना कीर्तन ये सब नहीं आता है, तो हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि आपकी निगाहें हम पर बनी रहें। वही प्रार्थना मैं आपके श्री चरणों में भी करता हूँ कि आपके प्रदेश का, इस भूमि का बालक हूँ, आपकी आंखों की निगाहें नजरें इनायत हम पर बनी रहें, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मैं आपसे ज्यादा क्या बात कर सकता हूँ, यू आर द डिफेंडर, कस्टोडियन, द प्रिजर्वर, द मेंटर, द सेवियर, द डिलीवरर, प्रिजर्वर, सब कुछ आप ही तो हैं। जब कोई चीज किसी के भी काबू नहीं आती है तो किधर जाएगा, आपके सिवा तो कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, लेकिन आपके कारण भारत की जुडिशरी विश्व में नंबर एक पर है, पूरे विश्व में हम एक पर। बहुत ज्यादा न कहता हुआ, जो सुरेंद्र कुमार सिंगला के परिवार का विषय भैया ने बताया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने, गणेश जी सेठी ने, तो 2,00,000 रुपये हम भी उनके अकाउंट में 1-1 लाख एक एक बेटी के लिए देते हैं, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई रुकने ना पाए और वो बच्चे पढ़ते रहे। और ईश्वर की कृपा रही और आपने फिर आदेश किया किसी प्रकार का, तो आपका आदेश, आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा होगी, ऐसा मानकर चलते हैं। बहुत ज्यादा ना कहता हूँ, आपके सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। मैं महामहिम जी द्वारा हमारे युवा साथी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार सिंगला जी के सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। अंतिम चरण हम दोबारा राष्ट्रगान से ही करेंगे, कृपया सभी साथी अपने अपने स्थान पर खड़े हों।